तो दोस्तों इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे फिफ्थ टेस्ट मैच के तीसरे दिन कैप्टन रोहित शर्मा के फील्डिंग पर ना आने पर हो चुका है बवाल। एक्चुअली ये इंसिडेंट है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के फिफ्थ टेस्ट मैच का। इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड को 218 पर ऑल आउट कर दिया और अपनी पहले इनिंग की बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने 477 रन्स किए। उसमें कैप्टन रोहित शर्मा ने शानदार 103 रन्स की पारी खेली, जिसके कारण रोहित के बैक में हल्का सा पेन चालू हुआ। तो उसके रिलेटेड बीसीसीआई ने भी ट्वीट करके बताया कि रोहित तीसरे दिन फील्डिंग करने नहीं उतरेंगे ड्यू टू स्टीप बैक। इस अपडेट के बाद जाहिर है कि वाइस कैप्टन बुमराह फिलहाल कप्तानी की भूमिका निभा रहे हैं। रोहित के रेस्ट लेने पर कुछ लोगों ने कहा कि शायद रोहित शर्मा आईपीएल 2024 स्किप करना चाहते हैं और वो कैप्टन हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में मुंबई इंडियंस में नहीं खेलना चाहते और वो प्लान बना रहे हैं कि आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में जाने का। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी बैट भी नहीं पकड़ा होगा पर अपने अपने घर बैठकर सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा को हेट दे रहे हैं और गाली भी दे रहे हैं। तो दोस्तों इन हेटर के बारे में आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स करके बताना।